straight from the mud. There's dirt on my hands. So, alright, hey guys, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में. और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने ग्लो नियॉन एडिट्स कैसे करता हूँ. लोगो ग्लोइंग वाला जो भी टेक्निक होती है तो वो कैसे होती है. सो मैंने अपनी इमेज क्रिएट कर रखी थी और बहुत ही सिंपल है यार वो वाली जो मैंने लोगो ग्लोइंग वाली कर रखी थी. तो यहाँ मैंने एक बैकग्राउंड ये ले रखा है. तो मैं बैकग्राउंड सबसे पहले इंपोर्ट कर देता हूँ और फ़ोन को कर देता हूँ लैंडस्केप मोड में. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिर मेरे बैकग्राउंड है. और यहाँ पे मैं अपने आप को ऐड कर देता हूँ. ये मॉडल हो गया इम्पोर्ट. और फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ना कराओ तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर बहुत ऑसम ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपके लिए बहुत आगे तक मतलब आपको सपोर्ट करेंगे. और PNGs डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं. तो यहाँ सारी चीज़ आपको फ्री में मिलेंगी और कोई पैसे नहीं है किसी भी चीज़ का. सो फील फ्री टू ज्वाइन ब्रो. सो यहाँ मैं अपने आप को रख देता हूँ सबसे पहले और सही लग रहा हूँ मैं इस टाइम पे. तो टिक कर देता हूँ मैं अपने आप को. तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने अपने आप को कटआउट भी कर रखा है. कटआउट के लिए ये वाला टूल होता है, अगर आपको ना आता हो तो आप कर सकते हैं इससे. ठीक है, फिर ऐड फोटो में आता हूँ और यहाँ से ये मैं पहले टैटू चुनता हूँ अपना. और टैटू के लिए सबसे पहले मेरे को जहाँ लगाना है मैं वहाँ जूम कर लेता हूँ. और ये यहाँ टैटू लगाना है मुझे, तो अच्छे से सेलेक्ट कर लेता हूँ जगह को. तो जगह हो गई है अच्छे से सेलेक्ट. और ब्लेंड मल्टीप्लाई या ओवरले, ठीक है. तो आप देख सकते हैं वो टैटू कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है. अब उसके बाद मैं दोबारा डालता हूँ ऐड फोटो में जाके. ये हेज है, थोड़ी सी ऊपर से डालनी होती है जस्ट रियलिस्टिक लगने के लिए कि ये मेरा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड से मैच हो जाए. तो इसमें क्लाउड्स होते हैं, ठीक है. और ये बहुत ही हेल्पफुल और सही प्रैक्टिस है. अगर आप हेज डालते हैं अपनी फ़ोटो में तो यार हेज बहुत ही ड्रास्टिकली हर चीज़ को इम्प्रूव कर देता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे हाथ के ऊपर कैसे हेज आ गई है. तो हेज से मैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से मैच कर लेता हूँ. सो यही चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ होती हैं. और ये सारी PNG हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं. मीडिया फायर की भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में. बस मैं एक बार मीडिया फायर पर अपलोड कर दूँ ये फाइल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको डाउनलोड करने में. और मीडिया फायर जस्ट ओपन अभी कर लेता हूँ मैं, साथ ही साथ अपलोड भी हो जाएगी. फिर उसके बाद ये वाली PNGs डालता हूँ मैं. और ये हैं स्टार्स की PNG. तो स्टार मैंने क्यों रखे हैं इसमें कि थोड़ा सा ड्रीमी लुक अचीव करने के लिए. तो आप देख सकते हैं स्टार्स से कितना फ़र्क पड़ गया है मेरी इस इमेज में, और बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ा है. और अगर आप स्टार्स नहीं यूज़ करते हैं तो यार थोड़ी चीज़ रह जाती है कहीं कहीं, ऐसा लगता है कि हाँ यार इस पार्ट में कमी और थोड़ी जान नहीं है. तो आप ईज़िली ये सब अचीव कर सकते हैं और आराम से. सो आगे बढ़ता हूँ मैं, फिर दोबारा ऐड फोटो. सो ये ऐड करते हैं. सो ये तो वही था मिनट. ये है ग्लो जो मुझे यहाँ पे डालना है. और ये सर्कल के ही अराउंड का ही ग्लो रखा है मैंने, आप देख सकते हैं. तो सर्कल पे ही आपको सही से सेट करना है कि उससे आपके बॉडी का मैच हो जाए, ठीक है. जस्ट अब दोबारा बढ़ना है आगे और यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं. ये रह गया है मेन पार्ट जो आई का ग्लो है. तो आई ग्लो को जस्ट आपने ले जाना है और रखना है और जस्ट रिसाइज करना है अपनी आँख के बराबर. और कोई प्रॉब्लम नहीं है यार इस चीज़ में. चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें भाई. बहुत ही मेहनत लगती है PNGs क्रिएट करने में मुझे और आप तक अपलोड करने में, ट्यूटोरियल बनाने में. सो इसका यार एक लाइक तो बनता है. और यहाँ मैं हिट कर देता हूँ और ये मेरी फ़ोटो हो गई है रेडी. और आप अब सब डाउनलोड कर सकते हैं. जो टेलीग्राम ग्रुप में है वो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं. अराउंड वहाँ 3000 मेंबर हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो आपको इंस्टेंट PNG मिल जाएगी, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही मैं कोई नया
फोटो अपलोड करता हूँ तो वो वहाँ आपको मिल जाएगा, और PST और PNG। सो थैंक यू गाइज इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।